नमस्कार दोस्तों, मैं सी एम सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल जी एस टी के। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में GST 9 के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या क्या उसकी ड्यू डेट है और कैसे हमें उसे फिल करना है, कैसे टेबल 4 से लेकर 18 तक क्या क्या चेंजेस है वो हम पूरा इस वीडियो में समझेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये ध्यान रखना है कि GST 9 उन लोगों को बन रहा है जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर होगी अगर आपके एक पैन पे 10 GST है तो 10 GST की टर्नओवर कंबाइन की जाएगी। इसकी ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर 2022 है। टेबल नंबर फोर बेसिकली आपके आउटवर्ड सप्लाई होती है जिस पर टैक्स आपको लगता है। इसके अंतर्गत जो चेंजेस हुए हैं उसके अंतर्गत उसमें मैंने बोला है कि जो ये आप टेबल 4 बी से लेकर 4 ई तक देख रहे हैं, इसको आप नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट करके दिखा सकते हैं। साथ में अमेंडमेंट भी जो है इसी के अंदर इंक्लूड करा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आप क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट वाले टेबल देख रहे हैं ये आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगी। अगर आपको भरना है तो भरिए और अगर आपको नहीं भरना है तो आप इसका इम्पैक्ट जो है यहीं पर दिखा सकते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है कि टेबल नंबर 4 में केवल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की वैल्यू आएगी, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक की जो आपने सेल्स दिखाई है वही इसके अंदर आएगी। B2C ऑलरेडी जो होता है नेट ऑफ डेबिट नोट या अमेंडमेंट होता है, इसलिए इसको सेपरेटली इधर एडजस्ट नहीं करके दिया गया है। सेम एडवांस और इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेड ऑन RCM के बेसिस पर। अब हम चलते हैं टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 जो होती है, टेबल नंबर 4 में टैक्सेबल सप्लाई होती है, टेबल नंबर 5 में नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये टेबल है 5A से लेकर 5F तक, इसको आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और अमेंडमेंट के साथ में नेट ऑफ करके यहीं पर दिखा सकते हैं। दैट मीन्स जो ये नीचे वाली टेबल्स हैं H से लेके K तक, ये सब जो है आपके ऑप्शनल बन गई। आप चाहिए तो ऊपर ही उसको नेट ऑफ डेबिट नोट करके दिखा सकते हैं। इस टेबल में भी आपको ध्यान रखना है कि केवल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की वैल्यू को ही दिखाना है। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। इसमें एक और चीज़ है जो ये आप एग्जम्प्ट और नील रेटेड देख रहे हैं, या तो आप इसको सेपरेटली दिखा सकते हैं या इन दोनों को ऐड करके आप एग्जम्प्ट की कैटेगरी में दिखा सकते हैं। दैट मीन्स एग्जम्प्ट और नील रेटेड की जितनी भी आपकी सप्लाई है उसको कंबाइन करके एग्जम्प्ट की कैटेगरी में दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए नॉन GST और नॉन सप्लाई को आपको सेपरेटली ही रिपोर्ट करना है, आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते। फिर अब हम चलते हैं टेबल नंबर 6 में। टेबल नंबर 6 जो होती है वो होती है ITC से रिलेटेड। 4 और 5 जो होती है वो आपके आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है। टेबल नंबर 6 जो आपके ITC है, यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यही है कि जितनी भी 4, 5, 6 टेबल है इसमें जो ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, केवल एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने ITC किया, जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की है वही ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएंगे, उसके अलावा ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे। इसमें क्या चेंजेस हैं? इसमें ये चेंजेस हैं जो आप ये ए से लेकर डी तक जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको तीन तरीके का वेरिफिकेशन देना पड़ता है कि जो आपकी ITC वो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कितनी है, इनपुट से रिलेटेड कितनी है, इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड कितनी है। यहाँ पर आपको एक रिलैक्सेशन दी गई है, कैपिटल गुड्स तो हर केस में आपको दिखाना ही है, इनपुट और इनपुट सर्विस को आप क्लब कर सकते हैं और उसको एज ए इनपुट ही दिखा सकते हैं। दूसरा एक और है कि ये जो RCM की ITC आप देख रहे हैं, ये फर्दर 2 कैटेगरी में वेरिफिकेशन होती है कि अनरजिस्टर्ड से कितनी है और रजिस्टर्ड से कितनी है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको जो COD की इन्फॉर्मेशन उसको क्लब करके D में दिखा सकते हैं, दैट मीन्स रजिस्टर RCM में दिखा सकते हैं, आपको अनरजिस्टर्ड रजिस्टर को कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक आपका चेंजेस था। अब हम चलते हैं टेबल नंबर 7 में। टेबल नंबर 7 में जो आप ये टेबल्स देख रहे हैं ए से लेकर ई तक, इनको आप क्लब करके H में दिखा सकते हैं, एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रांसफर की कोई 1 और 2 सेकेंड की कोई क्रेडिट है तो उसे आपको रिवर्सल है तो उसका आपको सेपरेटली ही दिखाना होगा। इसके अलावा अगर ITC 03 जो कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में क्रेडिट रिवर्सल होती है, जैसे कि आप नॉर्मल में थे कंपोजिशन में चले गए, कोई टैक्सेबल सप्लाई एग्जम सप्लाई में बदल गई, तो वहाँ पर हमको ITC रिवर्स करना पड़ता है, उसको भी हमको H में दिखाना होगा। अब हम चलते हैं टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 ऐसी है जो कि एक पूरे GST 9 की एक सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें जो है इसके ऊपर इस वीडियो में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, हो सका तो एक नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। टेबल नंबर 9 ऐसी है
जिसमें आपने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो भी टैक्स का पेमेंट किया है वो यहाँ पर आपको दिखाना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको अगर आपको चाहिए तो GST 3B की जो टेबल नंबर 6.1 है उसका यूज़ करके आप इसको फिल कर सकते हैं। देन टेबल नंबर 10 to 13, इस टेबल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अभी तक जितनी भी टेबल की हमने बात करी उसमें एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर बार बार मैंने स्ट्रेस किया था कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, ये टेबल जब आप भरोगे तो उस पीरियड को आपको छोड़ना है और अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022, लेकिन ट्रांजेक्शन जो पर्टेन होनी चाहिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के, ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमने अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक दिखाए हैं वो इस टेबल में आएंगे। अब वो क्या हो सकता है कि कोई हमने डेबिट नोट इशू किया हो अप्रैल 2022 से सितंबर 2022, लेकिन वो रिलेटेड था 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, या हमने कोई क्रेडिट नोट इशू किया हो, या हमने कोई ITC से फॉर दिसंबर 2021 में ले लियो उसको अभी हम रिवर्सल कर रहे हैं, या हम कोई ITC लेना भूल गए थे उसको अभी हम ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए टेबल नंबर 13 में जो है कोई भी ऐसी ITC जो हमने रिवर्स की थी 21-22 में जो कि रिलेटेड टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 है, मतलब कि आपके पास इनवॉइस नहीं आई थी, आपको वेंडर ने पेमेंट नहीं किया था गवर्नमेंट को, या 3B नहीं भरी थी, उससे रिलेटेड अगर आपने कोई ITC रिवर्स की थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में और उसको अब आप FY 2022-23 में रिक्लेम कर रहे हो, तो वो ITC जो है वो आपका FY 2022-23 का पार्ट बनेगा, ना कि इस वाले FI का। तो ये एक आप ध्यान रखिए। तो टेबल नंबर 10 में, 10 to 13 में एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो होगा वो पीरियड आपको देखना है अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होंगे वो हमेशा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होंगे। टेबल नंबर 14 जो है, आप जो 10 से 13 तक जो टेबल में इंफॉर्मेशन भरेगा अगर इसमें कुछ चेंजेस हैं तो वो टेबल नंबर 14 में आपको दिखाना है। टेबल नंबर 15 जो है वो रिफंड से रिलेटेड है और इस ईयर के लिए ये आपको ऑप्शनल दी गई है। सेम टेबल नंबर 16 जो कि आपके सप्लाई फॉर्म कंपोजिशन स्कीम डीम सप्लाई गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। टेबल नंबर 17 पे अगर आप ध्यान दें तो ये एडजेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है। इसके अंतर्गत अगर आपका एनुअल टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको एडजेशन कोड जो है 6 डिजिट लेवल पर देना है, बट अगर आपका एडजेशन कोड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम है तो सारे B2B ट्रांजेक्शन के लिए 4 डिजिट लेवल का आपको एडजेशन कोड देना है। देन टेबल नंबर 18 जो है वो आपका जो है इनवर्ड एडजेशन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मांगता है, बट अभी के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको भी ऑप्शनल कर दिया गया है। फ्रेंड्स ये टेबल नंबर हमारा 4 से लेके 18 तक जो है कंप्लीट, जो भी रिलैक्सेशन हमको अभी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के थ्रू दिया गया है वो मैंने इस वीडियो में समझाने का कोशिश किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।